जी हाँ, स्वागत है सभी का HAL ट्रिकी की जीके क्लास में। इसके पिछले वीडियो में हमने हिंदी के 106 प्रश्नों पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के 107 प्रश्न से। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। 107 नंबर पर देखिए क्या है। चौलड़ी प्रधानमंत्री तथा पंचवटी में कौन कौन सा समास है? तो चौलड़ी में द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों है। चौलड़ी अर्थात चार लड़ियों का समाहार तो द्विगु समास होगा, चौलड़ी अर्थात चार लड़ियों का एक माला तो ये बहुव्रीहि समास होगा, जबकि प्रधानमंत्री में दो समास है, मंत्रियों में प्रधान तो बहुव्रीहि समास होगा, और प्रधान का मंत्री तो ये तत्पुरुष समास में हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री में बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास दोनों है, जबकि पंचवटी में द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों है। पंचवटी यानी पांच वटियों का समाहार तब द्विगु समास होगा, और पंचवटी कोई एक विशेष स्थान से संबंधित है तो ये बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न नंबर 108 देख लीजिए। धर्माधर्म चराचर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, इसमें और छिपा हुआ है। धर्म और अधर्म, चर और अचर, इसका विग्रह होगा। और प्रश्न नंबर 109 देख लीजिए। रातों रात बातों बात हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। और प्रश्न नंबर 110 देखिए। त्रिलोक सप्तदीप दशावतार में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास होगा। और प्रश्न नंबर 111 देख लीजिए। किस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा द्विगु समास। और वहीं बात करें प्रश्न नंबर 112 की, तो किस किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो ये तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास, इन सभी समास का उत्तर पद प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 113 देख लीजिए। किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। और प्रश्न नंबर 114 देख लीजिए। किस किस समास का दोनों पद प्रधान होता है? तो इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, इसका दोनों पद प्रधान होता है। और 115 नंबर पर देखिए, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो वो कौन सा समास कहलाएगा? तो ये कर्मधारय समास कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। प्रश्न नंबर 116 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। प्रश्न नंबर 117 देखिए। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के पांच भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयाद संधि। और प्रश्न नंबर 118 देखिए। महेंद्र, महेंद्र, नौढ़ा में प्रयुक्त संधि बताइए कौन सा है? तो महेंद्र में दीर्घ संधि होगा, महेंद्र में गुण संधि होगा, नौढ़ा में भी गुण संधि होगा। प्रश्न नंबर 119 देख लीजिए। सूर्योर्जा, स्वागत और महेश्वर में प्रयुक्त संधि बनाइए कौन सा होगा? तो सूर्योर्जा में गुण संधि होगा, स्वागत में यण संधि होगा, महेश्वर में वृद्धि संधि होगा। तो संधि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके विस्तृत जानकारी कर सकते हैं। यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। प्रश्न नंबर 120 देख लीजिए। पवन, सज्जन, धनुष, टंकार में प्रयुक्त संधि बताइए। तो पवन में अयाद संधि है, सज्जन में व्यंजन संधि है और धनुष टंकार में विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 121 देखिए। आशीर्वाद, भगवद गीता, श्रवण में प्रयुक्त संधि बताइए। तो आशीर्वाद विसर्ग संधि में आएगा और भगवद गीता व्यंजन संधि में, और श्रवण वही में अयाद संधि के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 122, हिंदी में कुल रसों की संख्या कितनी होती है? तो 9 रस होते हैं। और कुल मिला के 123 नंबर देखिए। रस के कुल कितने अंग हैं? तो रस के चार अंग होते हैं, एक अस्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की कुल संख्या 33 मानी गई है। और प्रश्न नंबर 125 की बात करें, जी हाँ, प्रश्न नंबर 125 देख लीजिए। 125 पर है। निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा तथा क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है, विस्मय अद्भुत रस का अस्थाई भाव है, जुगुप्सा वीभत्स रस का अस्थाई भाव, क्रोध जो है रौद्र रस का अस्थाई भाव है। प्रश्न नंबर 126 देख लीजिए। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है, यानी जितने रस होते हैं उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। प्रश्न नंबर 127 देखिए। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो शांत रस है। और प्रश्न नंबर 128 की बात करें, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जी हाँ, ये किसका कथन है? तो ये विश्वनाथ का कथन है। और वहीं प्रश्न नंबर 129 की बात करें, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है?
तो श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का यानी कि प्रेम से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया है। 130 देख लीजिए, भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो शांत रस का उल्लेख नहीं किया गया है। और वही बात करें प्रश्न नंबर 131 की, तो सर्वश्रेष्ठ रस तथा रसों का राजा किस रस को माना गया है, तो श्रृंगार रस को माना गया है। और प्रश्न नंबर 132 देखिए, छंद का दूसरा नाम क्या है, तो छंद का दूसरा नाम है पिंगल। और वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के प्रकार बताइए, तो वर्ण और मात्रा के विचार से छंद चार प्रकार के होते हैं, एक वार्णिक, मात्रिक, उभय छंद और मुक्तक छंद, ये चार प्रकार के छंद होते हैं। और प्रश्न नंबर 134 की बात करें, जी हाँ प्रश्न नंबर 134 देख लीजिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। और प्रश्न नंबर 135, अलंकार का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, आचार्य वामन ने किया था। प्रश्न नंबर 136 देखिए, शब्दा अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, दीप्सा अलंकार, ये सभी शब्दा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जबकि 137 नंबर पर देख लीजिए, अर्था अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो अर्था अलंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति और उल्लेख अलंकार, ये अर्था अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और वही बात करें प्रश्न नंबर 138 की, जी हाँ, तो नवल, सुंदर, श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, इसका सही उत्तर होगा उल्लेख अलंकार, यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। 139 नंबर देख लीजिए, संदेशानी, मधुवन, कूप भरे में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही हैं। प्रश्न नंबर 140 देख लीजिए, यह चंद्र नहीं मुख है वाक्य में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करें, तो इसका सही उत्तर होगा अपनहूति अलंकार। और जबकि प्रश्न नंबर 141 देख लीजिए, किस अलंकार में एक शब्द में अनेक अर्थ होते हैं, तो श्लेष अलंकार के जो है एक ही शब्द में कई अर्थ निकलते हैं। प्रश्न नंबर 142 देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, तो ये अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और भी प्रश्न के बारे में बात किया जाए अलंकार से संबंधित, तो और भी प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 143 देख लीजिए, भारत भारत के सम भारत हैं में कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर अनन्वय अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 144 देख लीजिए, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, तो यहाँ पीर पीर 2 बार शब्द आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 145 देख लीजिए, किस अलंकार में 2 चीज़ों को एक कर दिया जाता है, यानी रूपक अलंकार में 2 चीज़ों को एक कर दिया जाता है, कि मुख ही चंद्र है, यानी कि रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 146 देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, और प्रश्न नंबर 146 पर देखिए क्या है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और प्रश्न नंबर 147 देखिए, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, रूपक अलंकार, यानी उपमान और उपमेय एक ही चीज माना गया है, तो उसको क्या माना जाएगा, रूपक अलंकार। 148 देख लीजिए, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, इसमें साधारण धर्म की पहचान करें, तो इस वाक्य में साधारण धर्म होगा सुंदर। और प्रश्न नंबर 149 देख लीजिए, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, ये किस प्रकार का अलंकार है, तो ये पूर्णोपमा अलंकार है। पूर्णोपमा अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें उपमा के चारों पद पाए जाते हैं, उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। नीलिमा यहाँ पर उपमा है और चंद्रमा यहाँ पर उपमेय है, और जैसी एक वाचक शब्द है और सुंदर एक साधारण धर्म है, इसीलिए उपमा के चारों पद इसमें मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर ये पूर्णोपमा अलंकार होगा। और वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो उपमा अलंकार के कितने पद हैं, तो उपमा अलंकार के 4 पद होते हैं, उपमा, उपमा, उपमेय, वाचक शब्द, साधारण धर्म। और प्रश्न नंबर 151 देख लीजिए, नीलिमा चंद्रमा जैसी है, किस प्रकार का अलंकार है, ये है लुप्तोपमा। यहाँ पर देखिएगा उपमा के 3 ही पद हैं, नीलिमा ये उपमा है और चंद्रमा जिसे तुलना की जा रही है उपमेय है, और जैसी वाचक शब्द है, तो इसमें जो है उपमा के 3 पद हैं, इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होगा। और अलंकार से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी के लिए आप जो है हमारे जो है चैनल पे जा करके, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, विस्तृत आप वहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। प्रश्न नंबर 152 देख लीजिए,
मुदित महिपत मंदिर आए में प्रयुक्त तो अलंकार की पहचान करें। अनुप्रास अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पे माँ 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 की आवृत्ति 3 बार हो रही है, तो वर्णों की आवृत्ति जिसमें होगी वो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 153 देख लीजिए, पोत कपोत तो काधन संचय में प्रयुक्त तो अलंकार की पहचान करें, तो इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। और प्रश्न नंबर 154 देख लीजिए, चरण चोट चटकत चकोट में प्रयुक्त तो अलंकार बताएं कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर वृत्या अनुप्रास अलंकार के होगा। यहाँ पर यह भी अनुप्रास अलंकार का एक भाग है। और प्रश्न नंबर 155 की बात करें तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात में अलंकार बताना है कौन सा अलंकार होगा, तो ये भी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत अंत्या अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 156 देख लीजिए, हिंदी भाषा नेपाली भाषा संस्कृत भाषा की लिपि बताइए क्या होगा, तो इन सभी की लिपि होगी देवनागरी लिपि। और प्रश्न नंबर 157 देखिए, पंजाबी अंग्रेजी उर्दू भाषा की लिपि बताइए क्या होगा, तो पंजाबी भाषा की लिपि होगी गुरुमुखी लिपि, और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि होगी, और उर्दू भाषा की लिपि होगी फारसी लिपि। और प्रश्न नंबर 158 देख लीजिए, रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं, तो रामचरित मानस में कुल 7 कांड हैं, जिसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बाल कांड, और सबसे छोटा कांड कौन सा होगा, उत्तर कांड होगा। और प्रश्न नंबर अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद करने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 159 देख लीजिए, ऋजु तिमिर उन्मुख का विलोम बताना है कि क्या होगा, ऋजु का विलोम होगा वक्र, तिमिर का आलोक, और उन्मुख का विमुख होगा विलोम। और प्रश्न नंबर 160 देख लीजिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सौर सैनी से विकसित हुई है। और प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 161 देख लीजिए, बहुत ही उपयोगी है परीक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 161 देखिएगा, हिंदी में प्रमुख छंदों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में प्रमुख छंदों की संख्या 2 होती है, एक मात्रिक छंद होती है और एक वार्णिक छंद होती है। मात्रिक छंद में मात्रा गिना जाता है, वार्णिक छंद में वर्णों को काउंट किया जाता है। प्रश्न नंबर 162 देख लीजिए, दोहा सोरठा चौपाई रोला हरगीत का ये किस प्रकार का छंद है, तो ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे। और वहीं बात करें प्रश्न नंबर 163 की, तो इंद वज्रा कवित द्रुत विलंबत मालिनी सवैया ये सब किस प्रकार के छंद हैं, तो ये सब वार्णिक छंद के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 164 देख लीजिए, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे, क्विक एंड फास्ट रिवीजन के लिए इसको जरूर आप गेस करें कितना आपने पढ़ा है कितना सीखा है अब तक। 164 देखिएगा, सम मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा चौपाई रोला गीत का हर गीत का, ये सम मात्रिक छंदों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। 165 नंबर देख लीजिए, अर्ध सम मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, तो उसका सही उत्तर होगा दोहा सोरठा वैरवे और उल्लाला। प्रश्न नंबर 166 देख लीजिए, विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले छंद कौन कौन से हैं, कुंडलियां तथा छप्पे ये विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और वहीं बात करें प्रश्न नंबर नेक्स्ट की, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको जरूर आप समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 167, कौन कौन से छंद 2 छंदों से मिलकर बने होते हैं, तो कुंडलियां तथा छप्पे ये 2 छंदों से मिलकर बने होते हैं। और प्रश्न नंबर 168 देखिएगा, दोहा तथा रोला से मिलकर बना है कौन सा छंद, कुंडलियां ये दोहा और रोला से मिलकर बना है। जबकि प्रश्न नंबर 169 देख लीजिए, दोहा सोरठा चौपाई रोला में कितने चरण और कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा सोरठा चौपाई और रोला में 4-4 चरण होते हैं, सभी छंदों में 4-4 चरण होते हैं, और दोहा में 13 और 11 मात्रा होती है, सोरठा में 11 और 13 मात्रा होती है, और चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, और रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये थी हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियाँ जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।